नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल 24। आरआरबी बोर्ड के खिलाफ छपरा में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज एसएफआई के बैनर तले छात्रों ने छपरा शहर के राजेंद्र कॉलेज मोड़ पर सड़क जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान छात्रों के द्वारा रेलवे बोर्ड का पुतला दहन भी किया गया। छात्रों ने बताया कि उनका आक्रोश लगातार जारी रहेगा और प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान करीब एक घंटे तक सड़क जाम कर छात्रों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। क्या मांगे आप लोगों की? वीडियो बना कर अभी हम लोगों ने भारत सरकार के रेल मंत्री का पुतला दहन कर ये विरोध जाहिर किया है कि जो आरआरबी एनटीपीसी में बड़े पैमाने पर रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ है, इसको दुरुस्त करके रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए और पूरे बिहार के अंदर जितने भी रेल थानों में छात्रों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन मुकदमे को वापस लिया जाए, क्योंकि ये सरकार अपनी दमनकारी नीति चला करके और छात्रों के आंदोलन को कुचलना चाहती है। इसलिए हम सभी छात्र चेतावनी देना चाहते हैं कि आपकी दमनकारी नीतियों से हम दबने वाले नहीं हैं। हमारा आंदोलन और आगे चलता रहेगा और कल पूरे हिंदुस्तान का चक्का जाम किया जाएगा सरकार के खिलाफ में, और चक्का जाम करके सरकार को हम संदेश देने का काम करेंगे कि आप छात्रों और युवाओं के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते हैं। नाइंसाफी के खिलाफ पूरे देश के छात्रों जो है ऐसे भाई के क्या है आपका पद ऐसे भाई में राज अध्यक्ष से भाई में नाम शैलेंद्र यादव बोलिए। छपरा जिले में आज ये हम लोग किए हैं जो विद्यार्थी प्रचार हो रहा है, एक मिनट प्रदर्शन करने वाले हैं। अब विद्यार्थियों के हकों के लिए करता है ऐसे फैल लौटता रहेगा। आज जो विद्यार्थी पे जहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा है वो माफी मांगे, हाँ नहीं तो हम आंदोलन सड़क तक आंदोलन करेंगे। हमारा आंदोलन होगा पूरे भारत के अंदर होगा। ये जो आंदोलन है एनटीपीसी रिजल्ट को ग्रुप बी को लेकर के है, अगर सरकार को ये चेतावनी है छोटे छोटे आंदोलन से, अगर सरकार नहीं मानती है तो पूरे भारतवर्ष के अंदर में हम लोग आने वाले समय में जेपी आंदोलन से बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और इसका जिम्मेदार रेलवे की रेलवे सरकार और भारत की मोदी सरकार इसके जिम्मेदार होगी और राज्य सरकार भी होगी। अगर राज्य सरकार ने कोई चाहती की छात्रों को लाठी चला करके तो इसलिए जिंदाबाद जिंदाबाद बड़े पैमाने पर धावन इससे भी बड़ा आंदोलन करने के काम करेगी। मैं रूपेश कुमार जैसे भाई जिला अध्यक्ष सारण बोलिए। आज हम लोग
पूरे छात्रों आज पूरे भारत में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से ये निकम्मी सरकार छात्रों पर हमेशा डंडा बरसाने का काम करती है और झूठे केसों में मुकदमा दर्ज करती है, जब तक केस वापस नहीं लेता है छात्रों पर से और जब तक अपनी गुंडागर्दी प्रशासन तो काबू नहीं करता है, तब तक हमारी आंदोलन जारी रहेगी। कल हम लोग भी सड़कों में भारत बंद का समर्थन करते हैं और उतरते हैं, उतरेंगे। मैं जिला सचिव एस एम सारण।